हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित बाराबंकी जिले के सफ़र पे। बाराबंकी, जिसे पूर्वांचल के द्वार के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जिसका मेल महाभारत के काल से है। ये जिला 3891 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी आबादी 26 लाख से भी अधिक की है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएँ जन्म लेती हैं। ये जिला 6 तहसीलों से मिलकर बना है। यहाँ 77% हिंदू, 22% मुस्लिम और 0.4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। बाराबंकी एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ धान, चावल, मकई और गन्नों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। इस जिले की मुख्य नदी घाघरा नदी है, जो कि यहाँ सिंचाई में मुख्य रूप से योगदान देती है। इतिहास पर नज़र डालें तो ये आरंभिक काल में श्री राम के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ आचार्य वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों को शिक्षा दी थी। महाभारत के दौरान यह कौरवों के अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। मध्यकालीन काल में यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा यहाँ की पवित्रता और अखंडता को काफी नुकसान पहुँचाया गया, जिस दौरान ये अकबर के अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश काल के दौरान बाराबंकी खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। दोस्तों, राजधानी लखनऊ यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ की आधिकारिक सेवाएं लखनऊ से संचालित की जाती है। आवागमन की बात करें तो यहाँ का बाराबंकी रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल से काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये बाराबंकी लखनऊ लाइन पर स्थित है, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरीके से जुड़ा है। सड़क मार्ग की बात करें तो यह राष्ट्रमार्ग 27, 727 और 297 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के नज़दीकी एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ शहर में स्थित है। तो दोस्तों, अंत में ये जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में, जहाँ आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के पारिजात वृक्ष, देवा शरीफ दरगाह, मयूर वाटरफॉल पार्क और आप यहाँ के नज़दीकी लखनऊ शहर में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह शहर पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।